नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उपासना सिंह। अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका नाम है उपासना सिंह ऑफिशियल। थैंक यू सो मच। इधर आ रे गेलिया, माल आ गया क्या? सलाम का जवाब। जब ये माल अपुन का बाप चंदू चिकने के पास बंबई पहुंचेगा तो साला खुश होकर मेंढक की तरह पुदोक 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 करेगा और अपुन का कमीशन भी डबल कर देगा। अरे काय को चिर चिर कर रही ली, आता खुजली मिटा रहेला और कुछ नहीं कर रहेला। वाह क्या आंख है, जैसा खरबूजे का फाक है। इतना लंबा बाल, गिराक को फंसाने का एकदम मजबूत। रुक जाओ, मैं तो एक एक कप भेजा उड़ा दूंगा। अबे तू इधर रंग में भंग डालने के लिए काय के लिए आयला है? चल जा, तेरे को तेरा दलाली मिल जाएगा। चल चल, अबे जाना वड्डा ने सावन की खड्डा, चल जा निकल जा। लगता है तू उस खानदान में पैदा हुआ जहां बेटा अपनी माँ की और भाई अपने बहन की दलाली खाता है, लेकिन आज के बाद तू सिर्फ जेल की हवा खाएगा। मेरी पहली गोली ने तुझ पर रहम किया, लेकिन मेरी दूसरी गोली तुझे नहीं बख्शेगी। चल खोल अपने माँ बहनों को, खोल, चल जल्दी कर। काली पिल्ली नर रह लाए टाइम पर, समझता नहीं है। बता दो साले को। तेरी भड़वागिरी निकालता हूं। चल चल चल। इंस्पेक्टर, अपुन चंदू चिकने का चेला है और उसके सामने तू एकदम सड़ेला केला है। वो एक झटके में तेरे सारे छिलके उतार के फेंक देगा। छिलके तो मैं उतारूंगा तेरे चंदू चिकने के, कानून की चक्की में इस तरह पीसूंगा कि उसकी सारी चिकनाई कब और कहां से निकलेगी न उसे पता चलेगा न तुझे। पता तो तेरे को उस वक्त चलेगा जब तू एक घंटे के अंदर अंदर अपुन के पास आएगा और बोलेगा, जा गज्जू बाप तू आजाद है। गज्जू बेटे तू क्या, तेरा साया भी 7 साल तक इस जेल से बाहर नहीं निकलेगा। ए इंस्पेक्टर, अपुन जो बोला ना वही छोएगा। तू एक घंटे के अंदर अपुन के पास आएगा और अपने को छुड़ाएगा। ये बच्चू बाप का चैलेंज है। गीता, श्वेता कहाँ छुप गई दोनों? गीता, गीता, श्वेता, इंस्पेक्टर रंजीत, तेरी बेटियों के मौत का सामान तेरे सामने रखा है। एक घंटे के अंदर अंदर मेरे आदमी गज्जू को छोड़ दे या फिर तेरे सामने रखा कफन अपनी बेटियों को पहनाने के लिए तैयार हो जा।
तेरा बाप चंदू चिकना। हरामजादे। सुनिए, देखिए, मुझे वचन दीजिए, मेरे मरने के बाद गीता और श्वेता को अपनी जान से ज्यादा चाहोगे, उन्हें कभी कोई दुख नहीं होने दोगे। पापा, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए पापा, पापा, मेरे बच्चों को बचा लीजिए पापा, पापा, मेरे बच्चों को बचा लीजिए पापा, पापा, मुझे वचन दीजिए पापा, 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 मुझे वचन दीजिए पापा, पापा, मुझे वचन दीजिए, मेरे बच्चों को बचा लीजिए पापा, मेरे बच्चों को बचा लीजिए, मुझे वचन दीजिए। कच्चो, 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 हरामजादे, हरामजादे, बता, बता मेरी बेटियां कहां है? बाल निकल गई ना हवा, अपन तो बोला था तू एक घंटे में वापस आ जाए, लेकिन तू तो आधे घंटे में वापस आ गया। कज्जू, कज्जू, बता मेरी बेटियां कहां हैं? बात बताने की नहीं है, अपन को बाहर निकालने की है। हरामजादे, हरामजादे, एक बात याद रखना गज्जू, अगर मेरी बेटियों को कुछ हुआ तो बहुत कुछ हो जाता अगर तू अपन को बाहर नहीं निकालता, समझा के नहीं? लेकिन अभी कुछ नहीं होएगा, फिकर मत कर, जा, तेरी बच्चियों को कुछ नहीं होएगा। पापा, पापा, गीता, श्वेता, मेरी बेटियां, पापा, मेरी पापा, मेरी बेटियां, पापा, पापा, अब मुझे कभी छोड़कर मत जाना, कभी मत छोड़कर जाना। इंस्पेक्टर रंजीत, हम जानना चाहते हैं कि आपने कज्जू जैसे खतरनाक मुजरिम को क्यों छोड़ दिया? देखिए, गज्जू के आदमियों ने मेरी बच्चियों का अपहरण कर लिया था, उन्हें बचाने के लिए मुझे गज्जू को छोड़ना पड़ा। वर्दी रिश्ते निभाने के लिए नहीं, जनता की रक्षा के लिए पहनाई जाती है। आखिर आप लोग मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझते? इस बुढ़िया की मजबूरी कौन दूर करेगा जिसकी बेटी को गज्जू उठा के ले गया? कौन लौटाएगा इस लड़की की इज्जत जिसे गज्जू ने बीच चौराहे में लूट ली? बूढ़े के बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा जिसके चारों बेटों को गज्जू ने गोली मार दी? देखिए, मैं भी आप लोगों की तरह एक इंसान हूँ। अरे, पुलिस और इंसान हो ही नहीं सकता। याद रखना इंस्पेक्टर, गज्जू शहर में जो भी कुछ कर रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम, हाँ हाँ, तुम हो, तुम उसके जिम्मेदार, तुम हो इंस्पेक्टर, उसके जिम्मेदार तुम हो। श्वेता, गीता, पापा, 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 लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप यहाँ लेट जाइए। श्वेता, तू पापा का ख्याल रखना, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, नहीं बेटा, अब कोई डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर सकता। क्यों, ऐसी कौन सी बीमारी आपको पापा? मेरी बीमारी का नाम लोगों की नफरत, उनकी तबाही का जिम्मेदार मैं हूं। थक गया हूं बेटी, थक गया हूं अपने आप पर थूक थूक कर। नहीं पापा। हाँ बेटी, मैंने जनता के विश्वास का, कानून की कसम का और अपने फर्ज का खून किया है। तुम दोनों की मोहब्बत ने मुझे कानून का कर्जदार बना दिया। जिन मुजरिमों के खिलाफ मैं जंग लड़ रहा था, वो जंग मैं हार कर जा रहा हूं। पापा, नहीं। खुश रहना बेटी, खुश रहना बेटी। पापा, 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 आप जो जंग हार गए वो जंग मैं लड़ूंगी। कानून का कर्ज गीता चुकाएगी, आपकी बेटी गीता। you
इंस्पेक्टर गीता। ये मेरा ही प्लान था मिस्टर ढांडा, तुमसे गोली चलवाकर पुलिस को अंदर आने का सिग्नल दिया था। मैं तुम्हें ब्लू फिल्म बनाने के जुर्म में गिरफ्तार करती हूँ। ब्लू फिल्म? अरे भाई, तुमसे किसने कह दिया कि मैं किसी ब्लू फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ? अरे भाई, मैं तो अपनी नई वीडियो फिल्म जवानी के दिन चार उसकी शूटिंग कर रहा हूँ। मैं किसी को मारने से पहले उसके कफन का प्रबंध जरूर कर लेती हूँ मिस्टर ढांडा। और ये रहा तेरा वो कफन, मैंने मौका पाते ही से यहाँ छुपा कर रख दिया था। इसमें वो सारी बातें रिकॉर्ड हैं जो तुझे कानून के फंदे में कसने के लिए काफी है। अब बता, तेरे उस बॉस का नाम क्या है जिसके इशारे पे ये सब हो रहा है? मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता। तो फिर तू मुझे भी नहीं जानता। मैंने तो मुर्दों से भी राज उगलवाए हैं और तू तो अभी जिंदा है। बता कमीने, कौन है तेरा बॉस? अगर तूने मुझे नहीं छोड़ा छोकरी, तो वो तेरे साथ ऐसा खेल खेलेगा कि तू रास्ते का वो पत्थर बन जाएगी जिसे लोग आते जाते ठोकर मारते रहते। एक बार मुझे मिल जाए तो उसे कचरे का ऐसा डिब्बा बना दूंगी कि उसमें आते जाते लोग थूकेंगे। बोल, कौन है तेरा बॉस? बोल, 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 कौन है? बोल। एसीपी साहब का फोन है आपके लिए, आपसे बात करना चाहते हैं। यस सर, गीता ऑन द लाइन सर। तुम्हें गुंडागर्दी करते हुए शर्म नहीं आती? किसी ने आपको गलत खबर दी है सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे खबर मिली है कि तुम ढांडा पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल कर रही हो। मैं उससे उसके बाप का नाम पूछ रही हूँ और जब तक नहीं बताएगा मैं उसे छोड़ने वाली नहीं। मेरी बात सुनो गीता, ऊपर वालों का बहुत प्रेशर आ रहा है। ये नौकरी मुझे किसी के बाप ने नहीं, मुझे मेरी मेहनत और ईमानदारी ने दी है। मैं ऐसी धमकियों से डरने वाली नहीं। कल अगर आपको वक्त मिले तो ढांडा का अंजाम देखने के लिए अदालत में जरूर आइएगा। हवलदार जी, ये कैसेट स्ट्रांग रूम में रख दो, कल हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। जी। मिस्टर ढांडा को शायद इस बात का भी एहसास नहीं कि ब्लू फिल्म्स बनाकर वो पूरे देश को तबाही की दलदल में डुबो रहे हैं। अब आप ही सोचिए, ये नंगी फिल्में बच्चों, नौजवानों और बूढ़ों के बीच बनी सम्मान की रेखाओं को मिटा कर नहीं रख देंगे? क्या बच्चे रातों को उठ उठ कर ये नहीं देखेंगे कि उनके माँ बाप क्या कर रहे हैं? यस मी लॉर्ड, ये गंदी फिल्में हमारे बच्चों को जवान होने से पहले ही बुढ़ापे की कब्र तक पहुँचा देंगी। हमारा देश उस जिस्म की तरह हो जाएगा जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी हो। मी लॉर्ड, मेरी आपसे ये अपील है कि सबूत देखने के बाद इंसानियत के इन दुश्मनों को इतनी कड़ी सजा दी जाए कि या तो ये जेल में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाए, या जब ये जेल से बाहर निकले तो इनके पैर कब्र में लटक रहे हैं। अब मैं अदालत के सामने सबूत पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है? इंस्पेक्टर गीता, इसमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन जैसा वो क्या बात है इंस्पेक्टर गीता, आपके चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? क्या मेरे क्लाइंट के खिलाफ सबूतों का पहाड़ एक राई का दाना बनकर गायब हो गया? इंस्पेक्टर गीता, अगर आपके पास कोई सबूत नहीं था तो आपने अदालत का कीमती वक्त बर्बाद क्यों किया? नहीं मीलॉर्ड, मैं अदालत का वक्त बर्बाद नहीं कर रही हूँ। मैं तो अदालत को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट में भी
चोरों की कमी नहीं है। ये देखिए, स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी मेरे पास होते हुए भी सबूतों वाला कैसेट चोरी करके वहाँ एक दूसरा कैसेट रख दिया गया। मगर वो भूल गए कि मैं गीता हूँ, इंस्पेक्टर गीता। मैंने भी सबूतों वाला कैसेट स्ट्रॉन्ग रूम में रखने से पहले उसकी एक कॉपी बना ली थी। और ये रही वो असली कॉपी। अब देखिए मी लॉर्ड असली सबूत। Stop the film. मेरा ख्याल है कि सबूत देखने के बाद तो वकील साहब बहुत मोहित हुए होंगे। आपके चेहरे पर तो हवाइयां उड़ रही हैं। That's all, my lord. अदालत सबूत देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर धांडा ब्लू फिल्में बनाने का कारोबार करते हैं, लिहाजा अदालत उन्हें मुजरिम करार देते हुए 7 साल बामुशक्कत कैद की सजा देती है। बस यही रोक दो। श्वेता, दीदी, हैप्पी बर्थडे श्वेता। थैंक यू दीदी। इस दफा मैं तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा तुम्हारी पसंद का दूँ। क्या चाहिए तुम्हें? दिला सकोगे? तुम मांग कर तो देख। पहले वचन दो, जो मांगूंगी वही मिलेगा। अच्छा बाबा, मैं वचन देती हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अपनी दीदी का साथ चाहिए। अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। नहीं श्वेता, मेरी कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। क्यों नहीं रख सकती? मैं जब भी आपके साथ रहना चाहती हूँ आप कोई ना कोई बहाना बनाकर डाल जाती हैं। मगर आज मैं ये पूछ कर ही रहूंगी कि एक ही शहर में होते हुए आप मुझे हॉस्टल में क्यों रखती हैं? चुप चुप कर अकेले में क्यों मिलती हैं? किसी को ये बताने से क्यों मना करती है कि मैं आपकी बहन हूँ? बात दरअसल ये है श्वेता, मैं आज कुछ भी सुनना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, अगर तू जिद करती है तो सुन। आजकल मुजरिमों ने अपनी बात मनवाने का एक आसान सा तरीका निकाल लिया है। वो किसी को भी अगवा करके उनके रिश्तेदारों से अपनी नाजायज मांगे पूरी करवाते हैं। नहीं, और मैं मुजरिमों की दुश्मन हूँ। ये जानने के बाद कि तुम मेरी बहन हो, कोई भी मुजरिम तुम पर हाथ डाल सकता है और मुझे कानून से गद्दारी करने पर मजबूर कर सकता है। मैं नहीं चाहती मैं वो गलती करूं जो पिताजी ने की थी। ये सब जानने के बाद भी अगर तू मेरी कमजोरी बनना चाहती है तो चल मेरे साथ। नहीं दीदी, नहीं। अब मैं कभी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनूंगी। लेकिन आप भी एक कसम खाइए कि जब भी मेरी जिंदगी फर्ज पर कुर्बान करना पड़े तो आप पीछे नहीं हटेंगे और मुजरिमों के खिलाफ लड़ती रहेंगे। खाइए ना कसम दीदी। मैं कसम खाती हूँ श्वेता कि मैं हमेशा मुजरिमों के खिलाफ जंग करती रहूंगी। आजाद नगर का दारू वाला, कमाटी पूरे का भड़वा, नाक पाड़े का मटके वाला, कालीना का कोकीन वाला, अबे भैंस के तबेले, इतना बड़ा कोकीन का धंधा,
और सिर्फ 20 रुपया चाराना कमीशन। क्या करूं उसे, जब से गीता इंस्पेक्टर अपने बस्ती में आई ली है तब से हर काले धंधे पर ताला लग गया मेरे बाप। तो ये ताला उस वक्त तक पड़ा रहेगा जब तक गीता हमारे इलाके में रहेगी। चले भाग इधर से, चल। मेरा बस चले तो मैं उसका खून करता हूँ। ठंडा, मक्खी को मारने से हाथ गंदा होता है, मक्खी को उड़ाने में फायदा है, समझा के नहीं? चल बोंगा उठा और उंगली कर। नंबर बोल। छक्का एक का दुआ पंजा पंजा मिंडी सत्ता। लोखंडे को बोल अभी का अभी अर्जेंट बुलाए लाए। मुझे बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही आ गया गजरा सेठ। अरे यार अभी तेरे को याद किया और तू चलाया, मरेगा नहीं साला। इतना याद रख, जिस दिन मैं मर गया ना उस दिन तू बंगले से फुटपाथ पर आ जाएगा। अरे छोड़ यार, तू मरेगा तो तेरी जगह दूसरा घुसखोर आएगा और मैं वापस बंगले में चले जाएगा। अच्छा ठीक है, मजाक छोड़। ये बता मुझे फोन क्यों कर रहा था? इंस्पेक्टर गीता को हमारे इस इलाके से ट्रांसफर कर दो। क्यों, अब क्या मुसीबत है? तुझे सजा होने के बावजूद भी तू तो आराम से बाहर घूम रहा है। ए मिस्टर लोखंडे, तेरे भेजे में चिपकली के अंडे। तेरे को मालूम नहीं, जब तक गीता इस एरिया में है इसकी आजादी और अपुन के धंधे दोनों के वांदे, समझा के नहीं? तू ऐसा कर, उसको इस एरिया से खारी बस्ती में ट्रांसफर कर दे, समझा? उधर अपुन के 3-3 शेर है। ठीक है, गीता का ट्रांसफर हो जाएगा। क्या मैं पूछ सकती हूँ सर कि मेरी ट्रांसफर किस जुर्म के बदले में की जा रही है? तुम्हारी ट्रांसफर किसी जुर्म के बदले में नहीं, किसी जरूरत के तहत भी की जा रही है। इस समय जरूरत मेरे ट्रांसफर की नहीं है सर, जरूरत इस बात की है कि हम ढांडा के बॉस तक पहुंचकर उसके सारे गिरोह को खत्म कर दें। देखो इंस्पेक्टर, ढांडा को सजा हो गई, बात खत्म हो गई। तुम क्यों सूखे कुएं से पानी निकालने की कोशिश कर रही हो? ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि आप भी ढांडा के सरपरस्तों में से हैं। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले अपनी औकात मत भूलो इंस्पेक्टर गीता। मुझे अपनी औकात याद है सर, लेकिन भगवान के लिए रहम कीजिए अपनी औलादों पर, देश की उन नई नस्लों पर जो कि ब्लू फिल्म्स का शिकार होने के बाद अपने ही हाथों से अपने सुनहरे भविष्य का कत्ल कर देंगे। मेरे पास इन फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। वक्त होगा सर, उस दिन ढेर सारा वक्त होगा जिस दिन भगवान ना करे आपका बेटा ब्लू फिल्म देखने के बाद अपने आप पर काबू न रख सके और किसी लड़की की इज्जत लूट ले। इंस्पेक्टर गीता, कहीं ऐसा ना हो सर कि इन गंदी फिल्मों का असर आपकी जवान बेटी पर पड़े और वो शादी होने से पहले ही किसी के बच्चे की मां बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उपासना सिंह। अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका नाम है उपासना सिंह ऑफिशियल। थैंक यू सो मच।